कुल्लुस उस्मान के देखने और चाहने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या वाकई आलम शाह और निकोला उस्मान बे को पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने आखिरी किस्त में उस्मान बे को किले में देखा जो कि रोगातोस का था। यकीनन ऐसा भी हो सकता है कि रोगातोस कोसम हाल को बचाए, आलम शाह और निकोला का साथ दे। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे उस्मान बे यहाँ से कैसे निकलेंगे। कुछ नाज़रीन का ये कहना है कि आलम शाह उस्मान बे को पकड़ेगा और उस्मान बे को सुल्तान मसूद के सामने पेश करेंगे। ये सब खबरें हैं, फ़िलहाल इसकी कोई वजाहत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उस्मान बे कैसे पकड़े जाएंगे, अब इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने एपिसोड के आखिर में देखा, उस्मान बे ने आलम शाह की गर्दन पर तलवार रखी है और आलम शाह के पास कौन था, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि आलम शाह की यहाँ पर कोई चाल होगी। तो नाज़रीन, वो कौन सी चाल हो सकती है? नाज़रीन, जैसा कि हमने इससे पहले रोगातोस और कोसम हाल को बातें करते हुए देखा और वहाँ पर जूलिया भी थी, ऐसा हो सकता है कि जूलिया ने जो कुछ सुना वो निकोला को बता दिया होगा और आलम शाह को भी। इसलिए निकोला और आलम शाह को पता चला होगा कि यहाँ पर उस्मान आने वाला है। यकीनन उन्होंने कोई ऐसा मनसूबा बनाया होगा, इसी वजह से परेशान नहीं है। ऐसा जूलिया ने क्यों किया, ये सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जूलिया तुर्कों के खिलाफ है, इस वजह से निकोला का साथ दिया। अगर वाकई निकोला और आलम शाह उस्मान बे को पकड़ लेंगे तो क्या उस्मान बे को सुल्तान मसूद के सामने पेश करेंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय से आगाह कीजिए।